टू अनदर वीडियो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और नए एपिसोड में। तो यारो, आज हमारी डिलीवरी आ चुकी है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि मेरी सबसे महंगी कार। जी हाँ दोस्तों, आज तक का जितने भी आपने मेरा कलेक्शन देखा है, उसमें से सबसे महंगी कार मैंने मंगवाई है। जी हाँ यारो, तो उसका जो है, मुझे मॉर्निंग में प्रीमियम डीलक्स से मुझे कॉल आया कि भैया आपका जो है डिलीवरी काफ़ी टाइम हो गया है, आ चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या बोलो यार, किस्मत वाला हूँ तभी तो आ गया है। काफ़ी टाइम के बाद आ चुका है, तो आप आके अपना डिलीवरी ले जाए, पेपर वर्क यहाँ पर पूरा करें और अपनी गाड़ी को अपने घर ले जाए। तो दोस्तों, मैं देखो यार, सुबह सुबह एक बिजनेसमैन टाइप का ड्रेस पहन लिया हूँ, कोट पहन सूट उट पहन लिया हूँ, थोड़ा सा झकास भी दिख रहा हूँ ना। बोला कि यार गाड़ी लाना, वो भी महंगी गाड़ी लाना है, तो थोड़ा सा अपने आप को भी तो महंगे टाइप का बना लो यार। तो चलो यार, चलते हैं, गाड़ी लेते हैं। कौन सी गाड़ी है वो तो मैं वहीं पे बताने वाला हूँ आप सबको। पहले बता दूंगा तो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा, फिर मज़ा क्या आएगा। हाँ, ज़्यादा महंगी नहीं है, बट इंडिया में जो है ना, उस तरह का सुपर कार बहुत बहुत अननेसेसरी ही मिलेगा, और काफ़ी कमाल का वो बाइक है भाई, जो बात है कुछ भी करो। तो चलो, मैं इस गाड़ी से अपनी कार से जाता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कहाँ पर हमें जाना है। प्रीमियम डीलक्स के पास जाना है, जो कि यहाँ पर है। चलो चलो चलो, यहाँ पर है, ये देखो कुछ यहीं पर है, यहीं के आसपास है। तो चलो, हमने मार्क कर लिया और म्यूजिक को हम ऑफ करते हैं। तो चलो, हम तो चलते हैं यार। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो कमाल की होने वाली है। और गाड़ी देख के तो आपका इतना दिल खुश होगा ना यार, कि आप वीडियो को लाइक किए बिना तो छोड़ोगे ही नहीं। तो अभी से ही लाइक कर दो तो बेहतर रहेगा यार, मज़ा आ जाएगा। और ऑब्वियसली, अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो, अगर आप गेम प्लेस देखना चाहते हैं, चाहे WWE से रिलेटेड, GTA से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, जो भी हो, तो आप ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। क्योंकि गाइस, अगर चैनल को, ओ शिट यार, मैं ऑब्वियसली बहुत ख़राब ड्राइविंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब ड्राइविंग करता हूँ। इतना टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ, फिर मैं अभी तक ढंग से अच्छे से ड्राइविंग नहीं कर पाया हूँ। तो गाइस, आप जो है, मे बी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं कर लेते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी यार? नहीं मिलेगी, तो आप वीडियो कैसे देख पाओगे? बिल्कुल नहीं देख पाओगे। तो यार, सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रखें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और फटाक से वीडियो को आप वॉच करें। तो चलो यार, फटाक से आपको मिलते हैं प्रीमियम डीलक्स पे, और सीधा हम वहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम प्रीमियम डीलक्स पे आ चुके हैं, गाड़ी को फटाक से यहाँ पर कर लेते हैं पार्क। ये मैडम यहाँ पर सिगरेट पी रही थी, देखो यार कितना बुरा टाइम आ गया। तो चलो यारो, हम फटाक से जो है सबसे पहले पेपर वर्क पूरा करते हैं और आपसे मिलते हैं फटाक से। तो दोस्तों, पेपर वर्क हमने कर लिया ख़त्म और गाड़ी हमारे सामने लगी हुई। तो चलो यार, गाड़ी का फर्स्ट लुक देखो ये। तो दोस्तों, ये रहा हमारी कार। जी हाँ दोस्तों, ये है BMW का, जी हाँ वो दोस्तों, i8 AC। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कमाल का ये कार है, सुपर कार है, कार इसको नहीं, सुपर कार, सुपर कार इसको कहते हैं दोस्तों। देखो यार, कितना गजब का लुक है ना यार, काफ़ी गजब का। ये देखो BMW का यहाँ पर सामने लोगो लगा हुआ है, ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना आगे से यार, बहुत झकास लग रहा है यार, काफ़ी झकास लग रहा है। देख लो यार, कितना मस्त लग रहा है ये कार। देखो दोस्तों, पीछे से अगर हम देखते हैं तो पीछे से भी देखो कितना मस्त लग रहा है, ऑसम। ये लॉस सेंटोस का पता नहीं अजीबो गरीब सा नंबर है, लेकिन यहाँ दिखने में काफ़ी कमाल का लग रहा है, काफ़ी कमाल का लग रहा है यार। चलो, तो अब अंदर का इसका इंटीरियर हम आपको वॉच कराते हैं। देखो यार, सबसे पहले इसका म्यूजिक जो है, क्या म्यूजिक तो बंद क्या नहीं, ये देखो यार, यहाँ पर स्टेयरिंग लगा हुआ है, गियर यहाँ पर दिया हुआ, सारा कुछ देखो कितना कमाल का लग रहा है ना, मस्त लग रहा है। टू सीटर है यहाँ पर, फ्रेंडली भैया बैठे, पीछे भी जो है तीन बंदे तो नहीं, दो बंदे बैठ सकते हैं, फोर सीटर है, तो अच्छा है, काफ़ी कमाल का अंदर का इंटीरियर भी लग रहा है, मस्त है यार। तो चलो, थोड़ा सा गाड़ी का जो है टेस्ट ड्राइव करते हैं और थोड़ा सा दौड़ाते हैं रोड पर, और देखते हैं कितना मज़ा आता है। स्पीड तो काफ़ी कमाल की होगी यार, कंट्रोल जो भी हो, कंट्रोल तो चलाने के बाद पता चलेगा, लेकिन देखते हैं, हाईवे पे चलते हैं यार। ओ सॉरी, मैं कहाँ, अच्छा।
इस रोड पे हमें जाना है ना। तो चलो फटाक से चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना यार, जरूर देखना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस कार को करने वाले हैं मॉडिफाई। यहाँ जी हाँ दोस्तों, मॉडिफाई करने वाले हैं और मॉडिफाई करके इसको और भी खूबसूरत और भी मस्त बनाने वाले हैं। तो मेक श्योर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो आप देख सको यार। चैनल सब्सक्राइब रखोगे तभी तो नेक्स्ट वीडियो देखोगे। ये देखो बहुत इजीली, ओ शिट शिट, बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ यार। बच गया बच गया बच गया बच गया। एक्चुअली मैं पूरा का पूरा मैंने ये गाड़ी को लगभग मुझे जो है 3 करोड़ रुपए मुझे इस कार का पड़ गया। ये तो मैं बताना ही भूल गया इसका प्राइस मुझे क्या पड़ा है। लगभग देखो यार, ब्रेक मारते मारते जाके ठुक गया, इतना जल्दी 150 का स्पीड लेता है ना ये। देखो यार, मैं सबसे पहले गाड़ी को रोक देता हूँ, ठीक है। इसका स्पीड सुनो, इतना मस्त स्पीड है यार। आवाज़ देखो, आवाज़ इसका मस्त ना। स्पीड देखो, सेकेंड भी नहीं लग रहा है कि 100 नहीं 150 के अराउंड आ जा रहा है, सेकेंड भी नहीं लग रहा है। देखो यार, तेल तो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो चलो दोस्तों, थोड़ा सा एयरपोर्ट पे टेस्ट करते इसका स्पीड, एयरपोर्ट पे पहुंच पकड़ पाता हूँ कि नहीं, कि लगभग कितना है। ये हाईवे पे तो यार कहीं ना कहीं ठुक ही जाता है गाड़ी। तो चलो एयरपोर्ट पे चलते हैं फटाक से। तो दोस्तों हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं इसका स्पीड लगभग एयरपोर्ट पे हम पकड़ पाते हैं कि नहीं, कितनी स्पीड है इस गाड़ी में। तो 200 तो क्रॉस हो चुका है, 250 भी क्रॉस हो चुका है और 300 भी क्रॉस हो चुका है। बहुत 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 ज़्यादा। तो यार यहाँ पर भी समझ में नहीं आ पा रहा है इसका स्पीड कितना है। लगभग 300 तक जाते जाते जो है पूरा एयरपोर्ट ही ख़त्म हो रहा है, यानी कि एयरपोर्ट भी इसके लिए जो है छोटा पड़ रहा है। देख सकते हो आप यार, देखो 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 देखो, अब एयरपोर्ट जो है ख़त्म है। अब 300 देखो देखो 300, अब भाई इतना स्पीड है इस गाड़ी के अंदर, अब सोच सकते हो लगभग 350 के आसपास तो मैं मानूंगा कि इसका स्पीड है। प्लेन भी आ चुकी है। तो चलो दोस्तों, पूरा तो इसका स्पीड हमें नहीं पता चल पाया, लगभग जो है 350 के अराउंड अराउंड होगा इसका स्पीड। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना जिसमें हम मॉडिफिकेशन करके इसको और भी बेमिसाल बनाने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज के लिए रहने इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करके ही जाना इस वीडियो को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय।